बीदर के वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फेरोज खान ने सोमवार 13 मार्च को कमठाना में स्थित दरगाह हजरत सैयद शाह अब्दुल रजाक रहमतुल्ला अलैह में हाजिरी दी। महबूब कुरैशी कमठाना की ओर से दरगाह शरीफ में न्याज की दावत रखी गई थी। महबूब कुरैशी ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इस दरगाह में पिछले वर्ष ये मन्नत मांगी थी कि बंडप्पा काशिमपुर अगर बीदर साउथ के शासक बनेंगे तो वो हजरत की नियाज करेंगे। उनकी ये मन्नत पूरी होने के बाद आज उन्होंने दरगाह में नियाज की। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और उनके साथियों के अलावा दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर महबूब कुरैशी ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस नियाज के संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। हमारे आपके दरमियान हरदिल अजीज खायद श्री माननीय बंडप्पा काशिमपुर साहब माजी मंत्री और प्रेजेंट MLA, हमारी एक ख्वाहिश थी कि बंडप्पा साहब जीतने के बाद मैं एक 5 बकरों से मन्नत मांगा था हजरत खान, तो कुछ कारण होने से अभी तक टाइम लग गया और इससे पहले एक हफ्ता पहले करने वाला था, कुछ हादसे से मेरा भाई गाड़ी पर से गिरने से ये दावत को आगे करना पड़ा, ये मन्नत को। और साहब को कपड़े बुलाया, मैं भारती साहब को बुलाया और तमाम हजार से गुजारिश है कि आगे आने वाले असम्बली इंतखाबात में साहब जीत कर आना बोलकर हमारी खुशी है। हमारे साहब फेरोज खान साहब वो भी हमारे को खुशी है कि उन्होंने भी मनली सर्कल अमलापुर सर्कल से सॉरी चिट्टा सर्कल से उन्होंने भी जिला पंचायत मेंबर बनना बोलकर हमारी भी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला हम सबको एक मजबूती अदा महसूस करे हजरत शाह अब्दुल रजाक के सिलसिले से, हमें भी ये इलेक्शन कैंपेन होंगे करूँगा इंशाल्लाह करूँगा। मैं कभी बंडप्पा साहब को पूछ को भी नहीं करया, ना बंडप्पा साहब मेरे को पूछते ना मैं बंडप्पा साहब को पूछता। मेरी मर्जी है, जो करना है मैं करूँगा, मेरे हस्ती के हिसाब से करूँगा मैं। हाँ आए थे बंडप्पा साहब, आए आने के बाद कपड़े उन्होंने पहन लिए, मारुति साहब आए थे, मारुति साहब के मैसेज आए थे, तमाम लोग हमारे आ गए थे, CM फैज साहब आए थे, तमाम लोग आए थे, आने के बाद हम शुक्रिया। ठीक, महबूब कुरैशी कमठाना।